चलिए हम सवाल करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर पे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स करेंगे हम ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो सवाल काफी पुराना सा लगेगा लेकिन चेक कर लेते हैं। दिया हुआ है क्या कि तीन फोर्सेज है वेक्टर से, बेसिकली ए बी सी, मैग्नीट्यूड इसका कितना है 3, 4 एंड 5, इनके बीच का एंगल बताना है, ठीक है ना। गिवन है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू कितना है वेक्टर सी, एंड ये गिवन है कि ए का, बी का और सी का मैग्नीट्यूड क्या क्या है जी, 3, 4 एंड 5, यही है ना। कह रहा है एंगल बताना है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ऐसे तो आपको ये बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे ना पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं। कि ये साइड कितना है 3, ये साइड कितना है 4, तो ये साइड कितना हो जाएगा 5, यही होता है ना। तो मान लीजिए ये क्या आपका वेक्टर ए है, ये क्या आपका वेक्टर बी है, और एंगल निकालने के लिए क्या होता है हम, आप कभी भी एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, याद है टेल से टेल मिलाना, बताए थे ना, या हेड से हेड। तो टेल से टेल मिलाना थोड़ा कंफर्टेबल होता है, तो देखो मिला दिया ना, तो ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू 4, यहाँ से क्या बन गया पैरेललोग्राम, और ये आपका क्या है रिजल्टेंट, इसका नाम आपने क्या रखा हुआ है सी, सी वेक्टर ना, और मैग्नीट्यूड इसका कितना है 5, 5। थीटा क्या होता था ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है ना। अगर आपको फॉर्मूला से निकालना है तो भी निकल जाएगा, कोई भारी चीज नहीं है। सी बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सी का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, ए का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, बी का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, मतलब 2 × 3 × 4 इंटू कॉस थीटा, ये तो कट गया ना जी, कट गया ना। यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जा रहा है 0/24, दैट इज थीटा जरूर कितना आ जाएगा यहाँ पे 90, ठीक है। इसमें एक चीज और मैं आपकी तरफ से बता देता हूँ, अगर आपसे पूछ देता है कि रिजल्टिंग वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो आप क्या कहते हैं जी, टेन अल्फा, तो टेन अल्फा याद होगा बी साइन थीटा बट्टा ए प्लस बी कॉस थीटा, अब बट्टा में ए प्लस बी कॉस थीटा, तो कॉस 90 कितना आ जाता है 0, अब बी के जगह पे आप क्या लेते हैं 4, ए के जगह पे 3, ये एंगल कितना आ जाता है जी 53 डिग्री, 53 डिग्री टेन अल्फा आ जाता है 53 डिग्री, और भाई इससे करते तो कितना आता 37 आ जाता, इसके साथ वही एंगल कितना आता 37 डिग्री आ जाता, 90 है दोनों के बीच में, एक 53 तो दूसरा 37, क्लियर। चलो अगला करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो अगला सवाल है 1997 का, पूछ रहा है कि आप पहचानिए कि कौन इसमें से वेक्टर है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन क्या है, डिस्टेंस। आपको याद होगा ना डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। दूसरा क्या दिया है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो है ये वेक्टर होता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में ये दोबारा डिस्कस करेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। तीसरा क्या है, हीट एक प्रकार का क्या होता है एनर्जी, और एनर्जी क्या होता है स्केलर। और चौथा ऑप्शन भी देखो एनर्जी ही है, तो हो गया इसका वेक्टर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। चलो अगला सवाल करते हैं। दिया हुआ है 6 वेक्टर है आपके पास, कितना वेक्टर है 6 वेक्टर। ये कब का सवाल है, 2010 का सवाल है ये। देखिए 6 वेक्टर्स आर गिवन, 6 वेक्टर्स आर गिवन, ठीक है। कैसे है तो देख लीजिए, ये एक आपका है वेक्टर ए, ये है वेक्टर
बी, ये है वेक्टर सी, ये है वेक्टर डी, ये है वेक्टर ई और ये है वेक्टर एफ। ठीक है ना, कह रहा है कि इसमें सही ऑप्शन पहचानिए। ठीक है ना, एफ निकालना है बेसिकली। क्या निकालना है? एफ। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया हुआ है बी प्लस सी इज इक्वल टू एफ, बी प्लस सी इज इक्वल टू एफ। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है डी प्लस सी इक्वल टू एफ, डी प्लस सी इज इक्वल टू एफ। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है डी प्लस ई इक्वल टू एफ, डी प्लस ई इक्वल टू एफ। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है बी प्लस ई है, बी प्लस ई इक्वल टू एफ। ठीक है, तो इसमें से एक सही है, बाकी सब क्या है? गलत। हम चुन लेते हैं, इसमें से डायग्राम बना के इस सवाल को बनाना है। ठीक है ना, देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है जी बच्चों, देखें तो बी प्लस सी, ये आपका बी दिख रहा है, ये आपका सी। देखिए डायग्राम से देखिए, ये आपका बी हो गया और ये क्या हो गया? सी। तो ये आ गया ना बी प्लस सी आ गया। क्या ये आपको एफ के बराबर दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा है। मतलब ये एफ के बराबर नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, ये सही नहीं है। अब देखिए डी प्लस सी, ये डी दिखता आपको और ये क्या दिख रहा आपको? सी। बनाइए इसका, ये हो गया डी और ये हो गया सी, तो ये क्या हो जाएगा? डी प्लस सी। क्या ये आपको एफ के बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देख लो, क्योंकि एफ इधर जा रहा है ना, इधर थोड़ी जा रहा है, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, थर्ड देखिए बाबू, दूसरा भी क्या हो गया जी? गलत ही हो गया। ठीक है ना, थर्ड में क्या कह रहा है जी बच्चों? डी और ई, डी आपको दिख रहा है, दिस इज डी और ये क्या है? ई है। ये हो गया ई और ये क्या हो गया जी? डी। अब इन दोनों का रिजल्ट इधर जाएगा ना, डी प्लस ई, यही सही है। देखिए एफ के बराबर आ गया ना, ये आपका क्या है बाबू? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, लास्ट और आखिरी ऑप्शन बी और ई, बी बी ए रहा और ई ई इधर चला जाएगा, ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया ई वेक्टर, इधर चला जाएगा क्या? बी प्लस ई, क्या ये एफ के बराबर है? नहीं नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है खाली? सी, थर्ड है। क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए आगे अगला सवाल करते हैं। ये 1999 में पूछा गया था नीट में। ठीक है, दिया हुआ है कि एक यूनिट वेक्टर है 0.5 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप सी कैप। देखिए यूनिट वेक्टर जैसा कि आप समझते हैं ना, कैसे मान सकते हैं ऐसे? हाँ, कुछ भी सिंबल ले लीजिए, कैप लगा दीजिए। दिया हुआ है 0.5 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप और प्लस सी कैप। सवाल है कि सी कितना होगा? बहुत आसान, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 एंड दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.25। फॉर्मूला याद है ना? क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर लोगे तब ये कितना आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब देखो 0.5 का स्क्वायर 0.25 माइनस 0.8 का स्क्वायर 0.64 और यहां पे c है, कितना हो जाएगा? सी एस पे दोनों को जोड़ सकते हो क्या? कितना आ जाएगा? 0.89। तो यहाँ से देख लो सी स्क्वायर आ गया 0.11 घटा के 1 में से। ठीक है, तो यहाँ से सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट अंडर 0.11 हो गया। इतना ही था, नोट कर लो। चलिए अगला सवाल है, इस प्रकार से दिया हुआ है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। ऐसे लैंग्वेज में तो बड़ा अजीब लग रहा है, इसको हम लिख के दिखाते हैं। ये दिया हुआ है, ये सवाल पता है 4 बार पूछा है नीट में, 2016, 2006, 1996, 1991। देखिए 2016, 2006, 1996 और
91 चार मिनट में पूछा है। कह रहा है दो वेक्टर का सम है, तो दो वेक्टर का सम क्या होता है? ए प्लस बी। कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड, लैंग्वेज में दिया था इसको लिख लिया मैथमेटिकली, ठीक। और दूसरा दिया हुआ है कि दो वेक्टर का क्या है डिफरेंस, उसका क्या है मैग्नीट्यूड, ये दोनों आपस में क्या है बराबर, ठीक है। तो जान ही रहे इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये कितना होता है बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। इधर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ये दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इसको इधर लेके आ जाओ, ये कितना आ जाएगा, फोर ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो बाई फोर ए बी, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। चलो नोट कर लो, चलो अगला सवाल करते हैं। ये सवाल 2001 में आया था नीट में, दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस बी का मॉडुलस है ना, वेक्टर ए प्लस बी का मॉडुलस बराबर क्या है, वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड। पूछ रहा है कि वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल थीटा होता तो वो कितना होगा, कितना होगा बताइए। ये अगर वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो रिजल्टेंट क्या हो सकता है, वेक्टर ए प्लस बी, इसको हम क्या कहते हैं आर वेक्टर। तो ए प्लस बी का मॉड माने कौन है, आर वेक्टर। ये आप लोगों को कई बार सिखाए रहे होंगे पढ़ाते वक्त कि आर वेक्टर के मॉड को हम क्या लिखते हैं, आर। ए वेक्टर के मॉड को हम क्या लिखते हैं, ए। बी वेक्टर के मॉड को हम क्या लिखते हैं, बी। इसको थोड़ा सा साधारण भाषा में लिखते हैं, बड़ा क्लिष्ट भाषा में लिखा हुआ है, लगता हुआ किसी किसी को भी कितना भारी सवाल है, बोले इसी को हम क्या लिख दें, इसको लिख देना आर वेक्टर का मॉड, इसको क्या लिख दें ए या प्लस बी, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं आर इक्वल टू ए प्लस बी। तुमको याद है ये रेंज का मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं, और ये कब संभव होता था याद है, थीटा बराबर 0 डिग्री पे होता था। रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कब होता था, थीटा बराबर 0 डिग्री पे, भूल गए ना। नहीं सर आपने बोल दिए थे, मान लो अगर तुमको नहीं याद है तो इसको बनाने का भी तरीका है ना, आर बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा बराबर आर, आर यानी कि कितना के बराबर ए प्लस बी, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, कट गया। अब देखो यहाँ से कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा टू ए बी बाई टू ए बी, यानी कट के कितना आ गया 1, तो थीटा कितना आ गया जी 0। इतना बनाने की जरूरत था तो याद होगा आपको, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था है ना, थीटा 0 पे मैक्सिमम आता है, थीटा 180 पे मिनिमम। अगला जो सवाल है ये आपका फोर्स मोशन वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है ना। सवाल 2012 में आया था, दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि आप लोग 9th क्लास वगैरह पढ़े हुए होंगे ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको वेलोसिटी का आइडिया होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी को याद है ना, यू वेक्टर लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसको, यू वेक्टर, और कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है ना। ये दिया हुआ है बाबू 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक। फिर आपको एक्सेलरेशन वेक्टर दिया हुआ है बाबू, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या दिया है जी बोलिएगा, 0.0i कैप प्लस 0.2j कैप, 0.03i कैप 0.03, हां 0.03i कैप और प्लस 0.02 हां j कैप। समय आपको दिया हुआ बाबू, टाइम कितना सेकंड दिया है जी, 10 सेकंड, ठीक है। आप बस इतना पहचानिए कि जो एक्सेलरेशन है क्या ये कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंट है ना, है, क्योंकि इसमें समय नहीं है। तब आप
सब लोग नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे भाई जी, इलेवंथ में भी पढ़ ही लिए होंगे शायद। ये वी बराबर क्या होता है? यहाँ पे वेक्टर लगा दीजिए, वी वेक्टर बराबर यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इनटू टी। सो सिंपल। तो देखिए यू वेक्टर आपका कितना है जी, ये है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, है ना। अब प्लस ए वेक्टर कितना है जी, इतना है, देखिए 0.3 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप। अब समय कितना है जी, 10। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सवाल आपका बन चुका है। 0.3 इंटू 10 कितना आ जाएगा जी, 3 आई कैप। अब 0.2 इंटू 10 कितना आ जाएगा जी, 2 जे कैप। जोड़ दीजिए, 3 × 5 × 5 दैट इज 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। यही आपका क्या आ गया जी, फाइनल वेलोसिटी। कोई चाहता तो इसका मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता था, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो 5√2 आ जाता, वही पूछा है क्या। तो लीजिए ना, आ गया इसका मैग्नीट्यूड। तो रूट अंडर क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, फॉर्मूला याद है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड तो है या नहीं है, जेड कितना है 0। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 50, तो 50 का मतलब 5√2। कोई डायरेक्शन भी पूछ सकता था, नहीं पूछ सकता था। तो तय चिटा क्या है, तो वाई बाई एक्स मतलब 5/5 यानी कितना, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरीके से ये सवाल एक्चुअली 2D मोशन का है। किसका है, 2D मोशन, इसमें वेक्टर का कंसेप्ट से हम बना दिए हैं, ठीक है। चलिए छाप लीजिए। चलिए बच्चों, अगला जो एक सवाल पूछा है 2010 में, एकदम सेम टू सेम कॉपी था। वही दिया हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, उसमें दिया हुआ था इनिशियल वेलोसिटी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है ना। जबकि जो उसका एक्सेलरेशन गिवन था ना, वो गिवन था 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप। ये देखिए 0.4 आई कैप 0.3 जे कैप, समय वही 10 था, तो यही लगा दीजिए फिर, क्योंकि एक्सेलरेशन अगेन क्या है, कांस्टेंट है। तो आपका वेलोसिटी है 3 आई कैप 4 जे कैप, ये हो गया 0.4 आई कैप 0.3 जे कैप, ठीक है। ये आपका रह गया 3 आई कैप 4 जे कैप, 4 × ये 0.4 × 10 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0.3 × 10 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 × 3 = 7, 4 × 3 = 7, तो कितना आ गया 7 आई कैप 7 जे कैप। मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 + 49, जेड है नहीं तो 0, ये कितना आ गया 7√2। और यदि आप क्या निकालेंगे इसका डायरेक्शन, तो 7/7 थीटा कितना आ जाएगा 45। सवाल में क्या पूछ रहा था, मैग्नीट्यूड पूछ रहा था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब लिख लीजिए। चलिए हम लोग अगला सवाल करते हैं, 2002 ईस्वी में आया था। देखिए 2002 के नीट में आया था, दिया हुआ है कि फोर्स है, क्या है फोर्स, 6t² i कैप + 4t j कैप, ठीक है ना। कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी, एक पूछ रहा ना फाइंड वेलोसिटी कब, जब समय कितना सेकंड हो रहा है, बोलो 3 सेकंड पे। देखो एक बात समझना, ये फोर्स जो है ना, मास भी दिया हुआ है क्या, हाँ 3 kg, मास कितना दिया है 3 kg दिया है। ये फोर्स देखो कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स क्या है, वेरिएबल, क्योंकि समय के साथ ये क्या करेगा, बदलते चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चाहे तो इसका क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास, और ये भी क्या रहेगा, क्योंकि समय के साथ ये भी बदलते जाएगा ना। आपका ये आ जाएगा कितना बाबू, 6t² i कैप + 40j कैप, डिवाइड बाय कितना, 3 है ना, यस सर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2t² i कैप + 4/3 जे कैप, ये सही है। अब एक्सेलरेशन को आपने पढ़ा होगा, इसको लिख सकते हैं dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, बोलिए लिख सकते हैं ना, यस सर। अब आप dt को क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, कर दीजिए। तो dv vector = आ जाएगा 2 × t² dt i + 4/3 × t · dt j, ठीक है।
ये डी भी आ गया हमारी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डी भी कंडीशन क्या आ जाएगा जी, वी वेक्टर, बोलिए। अब टी स्क्वायर कंडीशन याद है ना, कितना हो जाएगा टी क्यूब बाई थ्री आई कैप, सही है, प्लस फोर बाई थ्री इंटू टी डी टी कंडीशन टी स्क्वायर बाई टू जे कैप। अब समय कितना है जी, तीन है, रख दीजिए यहाँ पे, तो ये टू बाई थ्री को रख दीजिए, थ्री का क्यूब कितना होता है जी, सत्ताईस हो जाएगा ना, आई कैप प्लस ये तो दो बार में काट देगा ना जी, ये कितना आ जाएगा जी टू बाई थ्री, तीन का स्क्वायर कितना होता है जी नौ। अब आप इसको काटिए कितनी बार में कटेगा, नौ बार में, ये कितनी बार कटेगा, तीन बार में, तो नौ दुनिया हो गया अठारह, एटीन आई कैप, आई हो गया कितने छह, सिक्स जे कैप, ये आपका आ गया जी वेलोसिटी आफ्टर थ्री सेकेंड्स, लिख लीजिएगा। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल हम लोग कर रहे थे ना, इसमें ये मेंशन किया होता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, ठीक है। इस सवाल में ये दिया हुआ था कि टाइम बराबर जीरो पे पार्टिकल कैसे था, रेस्ट पे था, ठीक है ना, ये सवाल में मेंशन था, ध्यान रखिएगा आप सब लोग। और अब हम लोग करते हैं अगला सवाल, ठीक है, आइए बच्चों अगला सवाल करते हैं। नीट में पूछा हुआ है जी कब, 1996 में दिया हुआ है बच्चों कि फोर्स है कितना है जी, बच्चों जरा बताइएगा, बोलिए, फोर्स है सिक्स आई कैप, सिक्स आई कैप माइनस एट जे कैप प्लस टेन, और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है जी, कितना, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है एक्सेलरेशन का, क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड, मैं अभी कुछ देर पहले भी बताया था मोड ऑफ वेक्टर को ए लिखते हैं हम लोग, है ना। क्या पूछ रहा है जी, इसमें से पूछ रहा है कि इसका मास क्या होगा, बहुत आसान है, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा जी, रूट अंडर छह का स्क्वायर 36 माइनस 8 का स्क्वायर 64 10 का स्क्वायर 100 36 64 जोड़े कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो 100 100 कितना आ गया जी, 200 200 मतलब बाहर कितना निकलेगा, टेन रूट टू निकलेगा, है ना। तो एफ बराबर क्या होता है जी, एम ए, तो एम बराबर क्या आ जाएगा जी, एफ बाई ए, यानी कि टेन रूट टू डिवाइड बाई वन, देखिए आपका आंसर आ चुका है ना, टेन रूट टू किलोग्राम, सही है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं जी अगला सवाल। एक और जानकारी आप लोग को दे देते हैं जी बच्चों, यही सेम सवाल नीट ने पूछा था कब, 2009 में, सेम टू सेम एकदम डिटो सेम, कोई चेंजेज नहीं था, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। दिया हुआ कि कोई पार्टिकल है जो किसी वेलोसिटी वी वेक्टर से मूव कर रहा है, उस पर तीन फोर्स लग रहा है और तीनों फोर्स मिलकर क्या बना ले रहा है जी, एक ट्राइंगल बना ले रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या करेगा। देखिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ जी, पी क्यू आर है ये, देखिए इसका नाम क्या लिया हुआ है जी पी, इसका नाम क्यू और इसका नाम क्या लिया हुआ है जी आर, ये तीनों फोर्सेज है, ठीक है। सो अगर तीन वेक्टर मिलके क्लोज लूप बना ले, तो आप लोग को याद होगा कि इसका रिजल्टेंट कितना आता है, जीरो आता है, यानी कि जो आपका नेट फोर्स है वो कितना आ गया, जीरो आ गया। इस चीज को आप लोग पढ़े इक्विलिब्रियम बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अब अगर फोर्स जीरो है तो इसका जो वेलोसिटी है वो बदलेगा नहीं, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सवाल यही था, सवाल पूछा है जी आपसे, आई थिंक बहुत लेटेस्ट है, 2019 का है, 2019 का ये सवाल है कि एक पार्टिकल था, क्या था, एक पार्टिकल था मूव विथ वेलोसिटी कितना, वी वेक्टर, ठीक है, और उस पर क्या हो रहा है, तीन फोर्सेज लग रहा है, ठीक है ना, थ्री फोर्सेज एक्ट ऑन इट एज सोन, ठीक है ना। तो बाद में वेलोसिटी
किस तरीके से बदलेगा, यही पूछ रहा था। ठीक है, सवाल ये था कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल चेंज, मतलब वेलोसिटी ऑन लेटर टाइम, मतलब समझ जाना वेलोसिटी किसी दूसरे समय पे क्या होगा, तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि नेट फोर्स मिलाकर के कितना आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए।